माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, नमस्ते। टुडे आई विल टीच यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नोन एज इम्परफेक्ट आर प्रोग्रेसिव टेंस। इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाना जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अनेक समानताएं होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहां यह बताता है कि कोई काम वर्तमान में चल तो रहा है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई सूचना नहीं देता है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यह भी यही सूचना देता है कि कोई कार्य अतीत में भूतकाल में जारी तो था, चल रहा था, लेकिन वो पूरा हुआ कि अपूर्ण है इसकी कोई सूचना नहीं देता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में कार्य चलने की सूचना देता है लेकिन उसके पूर्णता की सूचना नहीं देता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में चल रहे कार्यों की सूचना देता है किंतु उनकी पूर्णता की सूचना नहीं देता है। कार्य फिनिश हुआ कि नहीं हुआ था इसकी सूचना नहीं देता। मुझे विश्वास है कि अब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अवश्य अवगत हो गए होंगे। अब रही बात पहचान की। किसी भी वाक्य का प्रयोग करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, इफ वी वांट टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वर्जन, देन इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू टेंस एंड व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ टेंस इन विच ट्रांसलेशन मस्ट बी डन बाय अस। इसलिए हमें वाक्य में टेंस की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाक्य में जो दिए गए शब्द हैं उसके आधार पर हमें उसके टेंस की पहचान करनी होती है। इसलिए चलते हैं पहले पहचान करते। कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसकी पहचान एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। पहचान क्या है कि रहा रही रहे कंटिन्यूअस कहे, रहा रही रहे कंटिन्यूअस कहे। जहाँ वाक्य के अंत में रहा रही रहे मिलते हैं, होते हैं, आते हैं, वहाँ कंटिन्यूअस टेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी और रहे थे, आते हैं। यहाँ अतीत की बात हो रही है तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं। रहा रही रहे कंटिन्यूअस कहे। अब पहचान हो गई तो पहचान होने के बाद प्रश्न उठता है कि हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। उसके लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, दिस इज मैंडेटरी, यह अनिवार्य है, कंपल्सरी। इसलिए हम क्या करते थे कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के आने पर इज और आई एम जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते थे और मेन वर्ब में आई एन जी लगा करके वाक्य का प्रयोग करते थे। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के आने के बाद, माने आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के आने के बाद, हम लोग आर का प्रयोग करते थे। हालांकि ही सी इट अब एक वचनकर्ता के साथ तो वहाँ पर इज आता है, आई एम
अगर आई आया है तो आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन जहाँ बहुवचन हो जाते हैं सेकंड पर्सन हो जाता है यू, उसके साथ हमेशा आर लगते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वाज और वेयर का प्रयोग करना होता है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा होता है इसका ढंग। जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पहचान एक ही है, वहाँ रहा है रही है रहे हैं, यहाँ पर रहा था रही थी रहे थे, सिमिलरिटी है। अब ट्रांसलेशन में भी सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, थोड़ा सा अंतर के साथ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा होता इसका ढंग, लेते केवल वाज वेयर इज एम आर के रंग, लेते केवल वाज वेयर इज एम आर के रंग। एक बार पुनः सुन लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा होता इसका ढंग, लेते केवल वाज वेयर इज एम आर के रंग। वहाँ पर जो हमारी क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज एम आर होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर हो जाते हैं वाज और वेयर। एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और जहाँ बहुवचन आ जाता है वहाँ पर वेयर का प्रयोग करते हैं। अब इतना हमें विश्वास है कि आपको इसका ज्ञान हो गया। हमने अभी ऊपर बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अतीत में किसी काम के होने की जारी रहने की सूचना तो देता है, उसके पूर्णता की सूचना नहीं देता है, समय बाउंडेड नहीं रहता है इसमें। लेकिन अगर कोई काम विशेष समय पर, अगर कोई विशेष काम विशेष समय पर होता है तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यह एग्जम्पशन है, इसको नोट कर लीजिए कि यदि कोई विशेष कार्य विशेष समय पर होता है तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिनोट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम, सम टाइम, जैसे सम टाइम इन द पास्ट। फिर से सुन लीजिए, कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। अतीत में अगर किसी विशेष समय पर कोई कार्य जारी हुआ है, चल रहा था, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग शाम के समय पौधों को पानी दे रहे थे। आजकल लोग गमले लगाते हैं, गमले में फल फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बगीचे होते हैं, बगीचे में लोग पानी देते हैं। तो आ गया कि हम लोग शाम के समय पौधों को पानी दे रहे थे। यहाँ शाम जो है ए पार्टिकुलर टाइम है, विशेष समय है, और काम भी क्या है, विशेष काम है। हरदम पानी नहीं दे रहे थे या खेत की सिंचाई नहीं कर रहे थे, पौधों की सिंचाई कर रहे थे। तो कहते हैं वी वेयर वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग, संध्या के समय हम लोग संध्या के समय पौधों को पानी दे रहे थे। क्योंकि वी आया है, वी बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए उसके साथ वेयर का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान देने योग्य चीज है, पार्टिकुलर टाइम के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इस टेंस का प्रयोग, एक दूसरा एग्जम्पशन है, अपवाद है कि इस टेंस का यूज प्रयोग
ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली ये शब्द हैं, ऑलवेज हमेशा, कॉन्टिन्यूसली माने सतत लगातार अनवरत। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली आदि के साथ पास्ट टेंस की भूतकाल की परसिस्टेंट हैबिट्स माने होता है दृढ़ आदत, ऐसी आदत जो पक्की आदत होती है, बदलती उदलती नहीं है, स्थायीकरण हो गया होता है, रेगुलराइजेशन हो जाता है, यानी ऐसी आदत लत जो छुड़ाने से भी छूटती नहीं है, उसे कहा जाता है परसिस्टेंट हैबिट्स। तो ऑलवेज और कॉन्टिन्यूसली जैसे शब्दों के साथ पास्ट टेंस की लतों के लिए, दृढ़ आदतों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह तो हमेशा से जुआ खेलता रहा था, वह हमेशा से जुआ खेल रहा था। He was always gambling. He was always gambling. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही तरह सब कुछ करना होता है। केवल इतना है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं, यहाँ उनकी जगह वाज और वेयर आ जाते हैं जो सब्जेक्ट को देख करके प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलर टाइम, अगर अतीत काल में हुआ है, पास्ट टेंस में कोई कार्य हुआ है पार्टिकुलर टाइम पर, समय विशेष पर हुआ है, तो वहाँ भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऑलवेज रेगुलरली के लिए भी, अगर वो आदत से संबंधित हैं, हैबिट से संबंधित है, वैसी हैबिट है जो छुड़ाने पर छूट नहीं रही है, लत हो गई है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ही वाज ऑलवेज गैम्बलिंग, वो हमेशा जुआ खेल रहा था, ये ऐसी आदत है जो छुड़ाने से छूटने वाली नहीं है। इस प्रकार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आप चाहें तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन सहजता के साथ कर सकते हैं। अब दूसरा एक वाक्य बनाते हैं। वह ऑफिस जा रहा है, वह ऑफिस जा रहा था, एक ही वाक्य के दो रूप। वह ऑफिस जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही सहायक क्रिया यहाँ पर इज, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, गो से आई एन जी, ही इज गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पर क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, नियम देखिए जैसे हैं, यहाँ इज की जगह वाज हो जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही वाज गोइंग टू ऑफिस, ही वाज गोइंग टू ऑफिस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा होता इसका ढंग, लेते केवल वाज वेयर इज एम आर के रंग, कर्ता को देखकर, सब्जेक्ट को देख करके हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग यहां पर नहीं होता। अब दूसरा वाक्य है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर एक वचन, हेल्पिंग वर्ब जो है लर्न क्रिया है यहाँ मुख्य, तो कौन अपना पाठ याद कर रहा है, हु का प्रयोग किया, सब्जेक्ट आई, मुख्य क्रिया क्या है लर्न, आई एम लर्निंग माई लेसन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर एम हट गया, आई है एक वचन है, वाज आ गया, आई वाज लर्निंग माई लेसन। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, ये मुझे विश्वास है कि बहुत हद तक आपकी दूर हो गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि कोई सिंपल सेंटेंस है इसका, उसका हम निगेशन कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, जिसे नकारात्मक आप कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो नकारात्मक बताता हूँ, जहाँ ना लग जाता है, नकार होता है, किसी काम को नकारना नेगेटिव होता है। इसके लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, नो या नॉट,
यन और नो और यन ओ टी नाट, ये दो होते हैं। तो हम क्या करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम नाट लगाते थे, वह ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। लेकिन यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या क्रिया है सहायक, वाज और वेयर, तो वहाँ पर इज के साथ, आई एम के साथ, आर के साथ नाट लगता था, यहाँ पर वाज और वेयर के साथ नाट लगेगा। तो वाज वेयर संग नाट लगाकर, वाज वेयर संग नाट लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं निगेटिव में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन निगेटिव फॉर्म। वाज वेयर संग नाट लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। वाज वेयर संग नाट लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे वह ऑफिस नहीं जा रहा था, अभी मैंने पढ़ा, ऊपर आपने पढ़ा कि वह ऑफिस जा रहा था, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। तो हमें क्या करना है, वाज वेयर संग नाट लगाकर वाक्य बनाए जाते हैं। वहां वाज था तो वाज के साथ क्या लगा देंगे, नाट, ही वाज नाट गोइंग टू ऑफिस, वो कार्यालय नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव हो गया। द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, इस प्रकार से यह हो गया इसका नेगेटिव फॉर्म। अब हमको बताना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाज वेयर जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बना, वाज वेयर जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। जो आपने सिंपल सेंटेंस में अनुवाद किया है पास्ट कंटिन्यूअस में, उसका वाज या उसका वेयर उठाकर सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे अभी मैंने एक वाक्य बोला था कि द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, ये नेगेटिव में था, इसका पॉजिटिव क्या होगा, द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। लेकिन क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, वेयर, वेयर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आपने वेयर पहले कर दिया। इसी प्रकार अगर एक बच्चन कोई हो, क्या वह कल पढ़ाए थे, पढ़ा रहे थे, क्या वह कल पढ़ा रहे थे, तो वाज ही टीचिंग यस्टरडे, वाज ही टीचिंग यस्टरडे। अब इसी के बाद हमारा आता है इंट्रोगेशन विद निगेशन, ऐसे भी वाक्य होते हैं कि वहाँ प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो एक ही नियम है पहले का, वाज या वेयर पहले लाइए, बाद में सब्जेक्ट रखिए और सब्जेक्ट के तत्काल बाद नाट का प्रयोग कर दीजिए। बाद पहले वाज या वेयर विद कार्डेंस टू द सब्जेक्ट, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर, और नाट तो सबके साथ लगता है, तो जो सब्जेक्ट आपका है उसके आगे आप नाट लगा दीजिए, बाएं वाज वेयर, दाएं नाट, आपका हो जाएगा इंट्रोगेशन विद निगेशन। कैसे, कर्ता के बाएं क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्रिया होती है दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है एक मेन वर्ब होती है, मैं मेन वर्ब की बात यहाँ नहीं करता, जब मुख्य क्रिया कहूँगा तो आप मुख्य क्रिया समझिएगा, यहाँ क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। कहते हैं कर्ता के बाएं क्रिया, कर्ता माने कौन, जब हु लगाने से जो क्वेश्चन में उत्तर मिलता है वो हु होता है सब्जेक्ट, उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता के बाएं क्रिया दाएं लगता नाट, यानी सब्जेक्ट के बाएं क्रिया हेल्पिंग वर्ब और दाएं लग जाता है नाट। कर्ता के बाएं क्रिया दाएं लगता नाट, प्रश्न निषेधन, प्रश्न निषेधन हो तभी,
बांधो इसकी गांठ। प्रश्न निषेधन, प्रश्न माने क्वेश्चन इंट्रोगेशन और निषेधन माने होता है निगेशन। कोई भी वाक्य क्वेश्चन और निगेशन तभी हो सकता है जब उसके सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और सब्जेक्ट के बाद में नॉट होगा। तो क्या हो गया कि कर्ता के बाएं क्रिया, दाएं लगता नॉट, प्रश्न निषेधन हो तभी बांधो इसकी गांठ। जैसे क्या वे नृत्य नहीं देख रहे थे, क्या वे नृत्य नहीं देख रहे थे, तो क्या भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेशन पे निगेशन है। नहीं देख रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने बताया था रहा रही रहे कंटिन्यूअस कहे, तो चूंकि यहां पर रहा था रहे थे है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो वेयर आ गया, बहुवचन हो गया। वेयर दे नॉट वॉचिंग द डांस, वेयर दे नॉट वॉचिंग द डांस। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आज आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारीकियों को अवश्य समझे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है या मेरे बोलने में कहीं से त्रुटि बस कोई ऐसा शब्द निकल गया है जिसका वहां पर प्रयोग अपेक्षित नहीं था, तो इसको पढ़ते पढ़ाते समय एक सामान्य त्रुटि मान करके स्वयं सुधार कर लिया कीजिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बोलता है पढ़ता पढ़ाता है तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो बोलना कुछ चाहता है निकल कुछ जाता है। सो इट्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स टू रिमूव माई एरर्स बिकॉज यू ऑल आर माई एग्जामिनर्स। आप लोग मेरे परीक्षक हो, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आया कि नहीं आया इसका मूल्यांकन आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। मुझे तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा पढ़ने वाला शिष्य बताएगा कि मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूँ या कितना खराब पढ़ाता हूँ। फिर भी आप कमेंट में कोई शिकायत हो तो ज़रूर लिखिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आई मस्ट ट्राई टू रिफॉर्म माई सेल्फ, मैं प्रयास अवश्य करूँगा अपने में सुधार लाने का, और आप भी अपने में सुधार लाने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, नमस्ते।